गोरखपुर से एक दरगाह है, वहाँ पर एक कुछ लोगों द्वारा एक नई हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना कर दी गई थी, जिसको लेकर दोनों पक्षों के लोग यहाँ पर जमा थे और उस बारे में उसमें बहसबाजी जारी थी। उनको कंट्रोल रूम आगे बातचीत के लिए बुलाया गया था। उसमें कुछ न्यूसेंसी जो लड़के हैं, नई उम्र के लड़के, उन्होंने पत्थर वत्थर जो है छोटे मोटे वो फेंके। उसमें कुछ मोटरसाइकिल भी जो आसपास रास्ते में पड़ी थी, वो तीन चार मोटरसाइकिल भी डैमेज हुए हैं। अभी तक कोई इंजर्ड अभी हमारे पास सामने नहीं आया है, कोई थाने पर भी अभी तक प्रस्तुत नहीं हुआ है। बाकी यहाँ जो क्षेत्र है वहाँ पर भी पुलिस पर्याप्त संख्या में मौजूद है और सभी लोगों को घरों में रहने की हिदायत दी गई है और जो भी कोई भी न्यूसेंस करने वाला अभी मिलेगा तो उसको सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आंसू गैस की गोले छोड़े गए थे ऐसा सुनने में, एक और टीआई साहब को भी कुछ चोट आई है करणी सिंह जी को, ऐसा कुछ? जैसा मैंने आपको बताया कि चूंकि एक मिक्स्ड पॉपुलेशन एरिया है और चूंकि कोई भी इस तरह के गॉसिप या भी कोई तरह के र्यूमर जो फैलते हैं तो क्रिया और प्रतिक्रिया की जो चीजें शुरू होती है, इस कारण से जो दोनों पक्ष के लोग जो इस मुद्दा था उसके कारण भीड़ जमा किए हुए थे और भीड़ जो कि डिस्पर्स नहीं हो रही थी, इस कारण से आंसू गैस छोड़े गए थे और उसके बाद फिर वहां से भीड़ को वहां से हटाकर उसके बाद सभी गली मोहल्लों में भी पेट्रोलिंग कराई गई है और सभी को घरों में रहने की हिदायत दी गई है और किसी तरह की भी कोई अफवाह जो आसपास अगर फैला रहे हैं तो उनको भी जो संदेश है कि अगर वो कोई भी अगर इस तरह के गलत मैसेज अगर फैलाते पाए जाते हैं तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी और कोई भी अगर कोई और न्यूसेंस करने का प्रयास करता है तो उन पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी को हिरासत में लिया गया है या इस तरह का कोई जो ऐसा किसी को पकड़ाएगा सर? नहीं, अभी तो फिलहाल इस तरह का कोई अभी फरियादी आया नहीं है। जो भी जिनके भी अगर किसी की गाड़ी डैमेज हुई है या कोई भी अगर इस तरह का कोई डैमेज हुआ है तो उसमें जो भी जिनका भी जो ओनर है सामने आएंगे उसमें कार्रवाई की जाएगी और यहाँ पर जो कैमरे भी लगे हुए हैं, शासकीय कैमरे भी लगे हुए हैं और अन्य कैमरे भी जो प्राइवेट कैमरे भी लगे हैं, सभी को देखकर कोई भी उसमें जो न्यूसेंस करता हुआ पाया जाता है उनके ऊपर